बुलाओ। आलू का स्टफिंग है और एक ब्रेड है। ये गाइस आज हम लोग आए गाइस नासिक में थे ओम साई राम जंबो वड़ा और उल्टा वड़ा का सबसे ज्यादा जब इनका मेकिंग स्टार्ट होता है देखिए भाई सबसे मेकिंग देखते हैं फिर सर की जरूरत आ रही है। मस्त नासिक का पावड़ है। अच्छा तो ये सबसे पहले आपने किया था ये एक्सपेरिमेंट? हाँ। और कितना साल पुराना अपना शॉप है? 12 साल से। 12 साल। अच्छा ये ऐसे ये टेक्निक से ये। अच्छा तो ये पूरा डीप होगा इसका? हाँ इसके इसके इसमें डीप हो गए इसमें फ्राई। अच्छा जी पीस पाव भी मिलेगा 50 रुपीज़ और ऐसे भी लोगे तो पाव भैया कितना मिनट लगेगा इसको? हो गया और चलो ये बेसन काफी गाढ़ा रखना पड़ता है ना ये तो फिर तेल तेल पूरा पी लेगा पाव है ना तेल लेते ना। अच्छा इसका भी टेक्निक है वो आपके पास ही एक टेक्निक है वो पाव ऐसी चीज है वो पूरा सर्व करके रखते हैं। अब लगा एक वही उल्टा वड़ा लिया। ये कौन सी चटनी है? लाल चटनी। ये स्पाइसी रहती है? हाँ। अच्छा ये हरी मिर्ची आज हरी मिर्ची। ओके जी इमली का ये क्या है? इमली चटनी। इमली चटनी ओके कट करेंगे आप चाहे तो कट कर भी ले सकते हैं अभी उन्होंने पर्सनली बोला बढ़िया लग रहा है। मस्त वड़ा पाव है वो वड़ा पाव ये खुदाई गाइस फाइनली अभी बन गया उल्टा वड़ा तो काफ़ी अलग है मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ खाया नहीं कभी उन्होंने काट करके दिया ये उनका स्टफिंग है आलू का स्टफिंग है और ये ब्रेड है और ये बेसन है और इनकी चटनी है थोड़ा स्पाइसी रहती है ये नासिक के लोग काफ़ी स्पाइसी खाते हैं और ये मीठी चटनी और ये साथ में ये दिया मैंने अभी खा के दिखते कैसा है। गर्म है अलग है डिफरेंट है इसको भी खाया नहीं मैंने लेकिन काफ़ी सही लग रहा है बेसन अरे पाव सब कुछ साथ मिले बहुत सही है। मीठी चटनी है इमली की चटनी सॉरी चटनी एक नंबर है ये वाला इसमें काफ़ी अदरक लहसुन और मिर्ची यहाँ पे आप आ सकते हो नासिक में साई राम वड़ा पाव सेंटर यहाँ पे है आप यहाँ पे आके खा सकते हो और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है 15 रुपीज़ डिफरेंट एक्सपेंस है चाहो तो खा सकते हो।